हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग फॉर अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे सेम हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, ये तो पक्का रहेगा सब में। फिर हम लोग ने मेन फंक्शन स्टार्ट किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है अमाउंट, दूसरा वेरिएबल है फ्लोट फ्लोट वैल्यू, ठीक है। उसमें तीन आर्ग्यूमेंट है, पी एंड एन आर। तो आर में मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दिया है 0.15। फिर वॉइड प्रिंट लाइन अनदर फंक्शन है, उसमें भी दो चीज है, एक है कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू स्टार एंड इंट लेंथ इक्वल टू 40। तो ये दोनों ही डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये क्योंकि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वैल्यू दिया गया है, इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू। नेक्स्ट है प्रिंट लाइन, तो प्रिंट लाइन एक फंक्शन कॉल कर रहा है। उसके बाद दूसरा फंक्शन कॉल है अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू, ये भी कॉल हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी कॉल हो रहा है। तो इस कॉल में कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, नो आर्ग्यूमेंट, मतलब वो वॉइड लेगा। यहाँ पे कॉल में दो आर्ग्यूमेंट है, मतलब एक्चुअल पैरामीटर दिया हुआ है यहाँ पे 5000.00 एंड 5, तो ये भी कॉल हो रहा है। फिर प्रिंट क्या करेगा, फाइनल वैल्यू इक्वल टू अमाउंट, ये जो अमाउंट का वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। फिर उसके साथ साथ और भी क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट लाइन इक्वल टू सिंबल भी प्रिंट कर रहा है, फिर रिटर्न जीरो हो रहा है। उसके बाद है आपका फंक्शन का बॉडी है, फंक्शन डेफिनेशन है, फ्लोट वैल्यू तीन आर्ग्यूमेंट है पी एन आर, फिर इंट ईयर इज इक्वल टू 1, फ्लोट सम इज इक्वल टू पी, वाइल ईयर इज लेस देन इक्वल टू एन, सम इज इक्वल टू सम इंटू 1 प्लस आर, ईयर इज इक्वल टू ईयर प्लस 1 एंड रिटर्न सम। तो अभी देखेंगे ये किस तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले जाएंगे स्टार्टिंग में, मेन में आए, फिर फ्लोट अमाउंट। हम लोग को क्या क्या प्रिंट करना है, हम लोग को चाहिए एक ही चीज जो कि है फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू मिलेगा कहाँ से, फाइनल वैल्यू एक हमारा फंक्शन है यहाँ पे वैल्यू का, जहाँ पे कि हम लोग को कंपेयर करना है ईयर का वैल्यू, अगर एन के वैल्यू से कम है तभी सम का वैल्यू कुछ आएगा, फिर ईयर का वैल्यू आएगा, फिर रिटर्न करेगा सम। तो ये सम का वैल्यू जो है उसको हम स्टोर करके प्रिंट करेंगे, जो भी उसका वैल्यू होगा उसको फिर से हमें ले जाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो अमाउंट का वैल्यू है वो एज अ फाइनल वैल्यू प्रिंट हो रहा है। और अमाउंट का वैल्यू है क्या, अमाउंट जो ये एक फंक्शन है, वहाँ पे फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फ्लोट वैल्यू, और वहाँ पे जो फ्लोट वैल्यू है उसके लिए ये तीन वैल्यू दिया गया है। तो अभी आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट चीज ये है जब आप मेन फंक्शन में आएंगे तो हम लोग को प्रिंट करना है फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो उसमें हम लोग को प्रिंट क्या करना है, मेनली अमाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट हम लोग को कैसे चाहिए, फाइनल वैल्यू इक्वल टू अमाउंट होगा। तो ये अमाउंट हम लोग को कैसे मिलेगा, यहाँ पे है अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू और दो एक्चुअल पैरामीटर। ये वैल्यू क्या है, एक फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल ही कर रहे हैं ना। तो ये फंक्शन के पास हम लोग जाएंगे, फ्लोट वैल्यू जहां पे ये प्रोटोटाइपिंग हुआ है विथ थ्री आर्ग्यूमेंट, लेकिन ये प्रोटोटाइपिंग का एक्चुअल डेफिनेशन कहाँ है, यहाँ पे है तीन मतलब फॉर्मल पैरामीटर है, दो कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, कंडीशन चेक होने के बाद ही आपका सम एंड ईयर का वैल्यू अपडेट हो रहा है, और जो सम का वैल्यू रिटर्न होगा वही होगा आपका अमाउंट का वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, पहले आपका क्या क्या वैल्यू दिया गया है, फ्लोट पी एंड एन। तो एन का वैल्यू कितना है, 5 है। हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, फ्लोट पी का वैल्यू 5000.00 है एंड एन का वैल्यू 5 है। तो ईयर का वैल्यू कितना है, 1, एंड सम का वैल्यू है पी। तो यहाँ पे क्या बोला है, वाइल ईयर इज लेस देन इक्वल टू एन, तो अभी ईयर 1 है एंड एन का वैल्यू 5 है, तो 1 इज ऑब्वियसली लेस देन 5। तो अभी सम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम इंटू 1 प्लस आर। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेज में सम का वैल्यू क्या है, पी है, जो कि है 5000। सो 5000 इंटू 1 प्लस आर, आर का वैल्यू कितना है, गिवन है 0.15, 1 प्लस 0.15, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5000 इंटू 1.15, जिसका वैल्यू आएगा आपका 6.612.15,
ठीक है, तो अभी चेक हो गया। उसके बाद ये लूप के अंदर ही है, जब तक ये कम नहीं हो जाता है आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, जब ये ज्यादा हो जाएगा उससे निकल के हम लोग सम का वैल्यू देंगे। अभी तो कम है, ठीक है, अभी ईयर होगा ईयर प्लस वन, तो अभी जब ईयर टू है, टू इज लेस देन फाइव, तो सम का वैल्यू क्या होगा? अभी यहाँ पे जो अपडेटेड सम है इतना है, तो इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ये जो सम का वैल्यू है 6612.5 इंटू क्या होगा 1 प्लस आर, तो आर का वैल्यू तो ऑब्वियसली गिवन है 0.15, तो इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा 7604.37। फिर ईयर का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5। तो इसी तरह जब तक इंक्रीमेंट ना हो आप ये बढ़ाते जाएं, उसी तरह यहाँ पे 7604.37 इंटू 1 प्लस 0.5 होगा, और जितना भी वैल्यू आएगा फाइनली आपको मिल जाएगा 1005678। ये आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये तो सम का वैल्यू है, ये सम का वैल्यू रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होके कहाँ पे जा रहा है? ये जा रहा है आपका यहाँ पे जो आपने कॉल किया था, वो असाइन हो रहा है अमाउंट पे, और वही वैल्यू आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, फाइनल वैल्यू। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका? आउटपुट यहाँ पे आपका आएगा फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 1005678।